हाँ ये भाई, बोल क्या हो रहा है। हाँ भाई, आवाज आ रही है? क्या आ रही आ रही। बोल। हो गया? क्यों माँ बहन कितनी गालियां दे रहा है? नहीं, मेरे को एक बात बता, तू मेरे फैमिली का फोटो बता के माँ बहन को गाली दे रहा है। देख बात सुन, मैंने हाँ तेरी फैमिली की फोटो जब दिखाई, जब तूने शायद अफरीदी की माँ मर गई है, तूने उसके ऊपर हाँ बात बोली। मेरे को 100 बात की एक बात मालूम है, तुम लोग हमारे देश के बारे में मत बोलो, हम लोग और तुम्हारे नहीं देश के बारे बोलते। में और नहीं सुन बोलेगा। मेरी बात, रमजान है, सुन 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 बात हाँ सुन, मैं रुका रहा ना, इबादत छोड़ के बैठा हुआ, नमाज छोड़ के, सुन हाँ मेरी बात सुन। अगर और हम मेरे दोनों को 100 बात की एक अच्छा बात चल तू बता, बोल ले। 100 बात की एक बात बता, तूने ये मेरे को लाइव वाला बोला कि इधर मेरे साथ लाइव आ, तेरे में दम है तो बोलना, अभी तू क्या बोलना चाहता है बोलना। तूने सबसे पहला वीडियो किसके ऊपर बनाया था? 1 मिनट मैं बोलूं, बोल। सुन। सबसे पहले तूने मेरे पे एक वीडियो बनाया, वकार जका फटेला कॉन्डम, फटेला ये फटेला ये, सुन क्यों बनाया तू? मेरी क्योंकि बात। तूने हम लोग के फिल्म वाले लोग को अबे बोल तेरी के फिल्म, शिवा सुन ले बोलना मेरी बात, अब बोला। सुन ले, एक एक करके बात सुन ले। पहले हाँ तूने बोला ना, देख इस पूरी बात में पहले उस फिल्म वाले ने मेरे को बोला, फिर मैंने बोला, वीडियो जाके देख, नहीं, मैंने नहीं बोला। ना 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 ना, तूने सुन 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 मेरी तुम्हारे बात, तूने सुन क्या मेरी बात, बोला सुन मालूम है? इंडिया सुन। की जितनी भी अच्छा सुन एक्ट्रेस मेरी है, बात, सुन मेरी सुन बात, मेरी इंडिया की बात। जितनी भी एक्ट्रेस है, उन लोग का मुंह देखने को नहीं होता है, मेकअप अच्छा नहीं 1 मिनट होता, तू मेरी बात करने सुन, का देख नहीं होता। रमजान है, सुन मेरी तब बात सुन। उसके अच्छा बाद एक काम मैंने करते, तेरे को गाली दिया, यार वरना सुन मैं मेरी तेरे को बात, गाली देगा नहीं। वो सुन मेरी गुच्छी बात, खान दे, गुच्छी खान, मैं सुन कह मेरी रहे बात, को, तू मैं तेरे ये को कह रहा हूँ, तेरी रखूंगी। बीवी की तस्वीर मैंने डाली, तेरी बीवी की तस्वीर डिलीट की मैंने, डिलीट की मैंने, हाँ डिलीट अरे की देख, अभी। अगर मैं चाहूँ ना तो सुन मेरी तेरी भी बात फैमिली का और मैं सुन बता ना, अबे सकता हूँ भाई कैसे तेरी चलता मेरी, है। अब भाई तू बात सुन मेरी, मेरे सुन मेरी को बात, तुम 1 मिनट के लोग लिए, का, एक एक करके बात कर रहे हैं, मेरे एक एक को करके मत बात बोलना करें, ये वकार एक एक सुन करके बात लेना। करें, एक एक करके। मैं तेरे को एक मुद्दे की बात अबे बोलता है, एक एक करके लोग बात सुन मेरे मेरी देश के बात, बारे में एक बोलने का मिनट, कौन नहीं, सा, एक कोई मिनट, तू कौन तुम्हारे सा देश मजहब के फॉलो बारे में करता नहीं है, बोलेगा, मेरे तू देश कौन के सा मुद्दे मजहब के बारे फॉलो में करता बोलेगा। है, कौन तू कौन सा मजहब फॉलो करता है ये तो बता। सा मजहब है? ना हिंदू है, कट्टर सुन मराठा है। अब, सुन मेरी बात सुन सुन, हाँ अब तू हिंदू है, हिंदू मजहब अच्छा तो नहीं लगता कि तू किसी की मरहूम माँ को गाली दे रहा हो, बता। बराबर शायद अफरीदी ना, ने क्या बिगाड़ा यानी तेरा? तुम लोग हमारे 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 को गाली देगा वो चलेगा। तब सुन मेरी वो बात, डॉक्टर एक टूटी मिनट को क्यों नहीं सुन मेरी बोलता है? बात, वो सुन सुन साजिदा सुन, अहमद को क्यों नहीं बोलता है तुम लोग? हिंदुस्तानी भाव बात सुन। देख हाँ कोई भी चीज हम ज्यादा लड़ेंगे ना, ना हुकूमत का फायदा, ना पैसे का फायदा। तू मेरे को गाली दे, मैं तेरे को गाली दूं, तू मेरी माँ के पास जा, हाँ लोगों का मनोरंजन होगा, हमारा कोई फायदा नहीं है। मैं तेरे से फिर मनोरंजन कह की रहा हूं, बात अभी नहीं है, सुन मेरी बात सुन वकर, मनोरंजन की बात ही नहीं है। मेरा सिर्फ मुद्दा ये रहता है कि मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को अच्छा गाली मत चलो दो, दोस्ती, बस मेरे को एक मांगता है वो कर अच्छा दे इधर तो आ, मेरे। पप्पी दे इधर, अबे घुसड़ी की दूसरी पप्पी दे बात इधर, चल सुन, आ जा, दूसरी खत्म बात, कर यार, दूसरी बात सुन चूतिया वकर, मेरी पागल। बात सुन ना, दूसरी बात सुन, वो ना वो साजिद अहमद और वो डॉक्टर टर्की को भी बोल, भोसड़ी के को, कि अबे मेरे सुन देश के अच्छा खिलाफ सुन बात ना, कर रहा है। अच्छा सुन अभी सुन, देख रमजान का महीना है, सुन मेरी बात, देख बस मेरे को, अगर तू अगर मेरे देश के खिलाफ नहीं बोलेगा ना, मेरी माँ की कसम मैं कभी तेरे को गलत नहीं बोलेगा। अच्छा चल सही है, अब सुन मेरी बात, बस सुन सुन मेरी बात, कसम हाँ खुदा की, जब मैं आया यहाँ पे इतनी देर में बैठा, अगर मेरे को तेरे के साथ कोई ड्रामा करना होता तो मैं तेरे को कभी इसका लिंक भेज रहा होता बार बार, तू अरे पहले मगर मुझे मेरे को आराम से। समझता ही नहीं ना, ये मेरे जितना भी हिंदुस्तान के फैंस है ना, सबको मालूम है मेरे को सोशल मीडिया का अच्छा चल मुझे समझता नहीं नहीं पता, है। सुन मेरी बात सुन, अच्छा हाँ सुन देख, मैंने यहाँ जितने यूट्यूबर हैं उनको भी मैं हाँ बोलता हूँ, हमें आपस में नहीं लड़ना, तू मोदी नहीं है, मैं वहनचोद, वहां यहाँ पर नवाज शरीफ नहीं हूँ, ना इमरान मेरे खान को हूँ, शौक नहीं है किसी के माँ बहन को गाली देना, चल बस खत्म, मेरा चल सिर्फ इतना ही है कि दोस्ती, मेरे फिर तेरे देश के बोले लोग गाली बगैर, दो, सुन मेरे मेरी देश बात, के तेरे लोगों को बोले गाली बगैर, दो। रमजान की कसम, मैंने तेरे बोले बगैर मुझे एहसास हुआ, तूने तो मुझे कुछ नहीं बोला ना, मैंने एकदम तेरी बीवी की तस्वीर हटा दी, मैंने कहा गलत बात है। सुन अफरीदी भाई की जो वालदा है उसका इंतकाल हो गया, सही है, अरे तुम उसको मैं क्या बोलता है, अरे इन लोग को भी समझना चाहिए ना। तुम लोग यार, तुम लोग का देश क्या देखो ना, हम लोग का देश क्या देखेगा, तुम लोग काय के लिए करता है, हमारे बारे में बोलता है। अच्छा समझो, देख मेरी बात, अभी के लिए हम एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा, अगर रमजान नहीं होता तो शायद मैं भी लड़ रहा होता, लड़ रहा होता तेरे से, लड़ने से मेरा ज्यादा नुकसान है, मेरा ज्यादा नुकसान होने लग जाएगा ना, और तुझे भी पता है गालम गलोच देने से हमारी रेटिंग पे कोई पैसा तो बनेगा नहीं, यूट्यूब चैनल भी उड़ जाएगा। वैसा भी मैं कमाता नहीं है, जरा भी नहीं सुन कमाता है मैं, मेरा बताना सुन इंस्टाग्राम होने दे या यूट्यूब होने दे, कुछ भी होने दे, मैं पैसा कमाता है क्या उसके ऊपर? एक भी मोनोटाइज है क्या मेरा चैनल?
अच्छा काम करते चले, काम करते एक काम करते, देख लोगों को वैसे भी हम दोनों की गालम गलोच सुनने का शौक है, ईद आती है ईद पे रखे। अरे छोड़ ना ईद भी काय के लिए, ये अच्छा मेरे को एक सौ बात की एक बात मालूम है, मेरे देश के और मेरे देश के लोगों के बारे में मत बोल, मैं तेरे खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। अच्छा मेरी बात सुन, भाऊ का, भाऊ का जबान है, मैं कभी तेरे, तू मुझे एक बात बता, तू मुझे एक बात बता, ठीक है अब तू मुझे एक बात बता, तू मेरे से ये वादा कर ले कि देख जिससे लड़ाई नहीं है तेरी, जैसे शायद आफरीदी या कोई, उसको गाली मत दे यार, उसको बोल ना सिर्फ कि मेरे देश के बारे में मत बोल, मैं नहीं बोलेगा, नहीं बोला ना उसने, गाली नहीं दी, देख बोला ना यार उसने, सुन अच्छा सुन मेरी बात सुन, तेरे मेरे दरमियान ठीक है, तू मुझे गाली दे सकता है मैं तुझे, लेकिन माँ घर पे बैठी है किसी की मर गई है उसको गाली क्यों दे रहा है, कोई नई गाली निकाल ले, अच्छा कोई नई बात कर ले। मेरे को एक बात बता, वो गुच्ची खान बराबर था, वो हमारे माँ बहन को गाली देता था, कौन? जब मैंने उसके माँ बहन को चालू किया वो गुच्ची खान वो माँ बहन को गाली देता था उसकी, जब मैं माँ बहन करना चालू किया तो उसने आज दो तीन दिन पहला वीडियो बना के माफी मांगा गुच्ची खान ने, कि मैं इंडिया के सब मेरे भाई है मेरे दोस्त है, पहला वो वैसे ही करता था। अच्छा सुन, मैंने छोड़ दिया उसको बोलना, सुनना अबे ये देख, ये 2-3 हज़ार, सुन मेरी बात, 2-3 हज़ार फॉलोअर वाला नहीं है ना कहीं, अगर मेरी बात सुन, मेरे को शौक नहीं है कि किसी के माँ बहन को मैं गाली दूँ, मेरे को भी बुरा लगता है जब मैं तुम्हारे के माँ बहन को गाली देता ना, मेरे को भी बुरा लगता है, मेरे घर पे भी माँ बहन है समझा, मगर सिर्फ बुरा ये है कि तुम लोग मत करो मैं भी नहीं करेगा, तुम लोग मत खत्म, डन हो गया, मैं आज से काम करते हैं, आज से काम करते हैं, दोनों मिलकर अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ठीक है कोई अच्छी चीज बनाते हैं, सुन गालम गलोच हटा के, मेरा फर्ज ये है कि तू अगर मेरे देश के खिलाफ नहीं बोलेगा मैं भी तेरे को कभी नहीं बोलूंगा, ये मेरी जुबान है। अच्छा सुन मेरी बात, अपना हमें एक दूसरे के साथ जुबान दे दी ना, जुबान दे दी तेरे को, अब सुन लेकिन अब बात सुन, अगर तू किसी हिंदू पे जुल्म होता हुआ पाकिस्तान में देखेगा तो बोलेगा ना वकार देख तू इन्फ्लुएंसर है तू जाके इसके बारे में बात कर यार, तेरे वहां पर हिंदू के साथ जुल्म हो रहा है, किसी हिंदू लड़की को मुसलमान कर रहे हैं जबरदस्ती, तू जा वकार जका, अगर बनता है इतना हिम्मत वाला जाके बचा, सुनना मैं भी तेरे वो साजिदा अहमद को जरा बोलना क्यों हम लोग का तिरंगा जलाती हो, सुन मेरी बात यार, तेरे पास भी लालू प्रसाद और लोग है ना, अबे हम अभी अबे तेरी मेरी बात हो रही है यार, अभी तेरी मेरी बात हो रही है, देख मेरे को बोलू तेरे को, तुम लोग ये तू है और वो दोनों जो है ना वो हमारे देश के खिलाफ बात गंदा बात करता है, हमको बुरा लगता है, बस मेरी बात सुन, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं तुझे अभी बता रहा हूँ, मैं तेरी अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, जिम्मेदारी लेगा कि मैं आज के बाद तेरे ऊपर ना गलत नहीं बोलेगा, नहीं और मैं बताऊं सुन, तेरे को कोई गलत बोले तू मुझे बता, मैं यूट्यूबर पाकिस्तानी से बात करता हूं, लेकिन जिस यूट्यूबर के फैन फॉलोइंग नहीं उससे नहीं बात कर, नहीं मैं वो साजिद अहमद और डॉक्टर टर्की वो मेरे देश के खिलाफ बात करते रहते, मैं उनकी बात छोड़ते, अच्छा मैं बात कर लेता हूं ना, अबे कौन टर्की कौन है, मैंने तो आज पहली दफा नाम सुना है कसम खुदा की, अरे वो डॉक्टर टर्की रे, वो देखेगा पहचानेगा, वो छाटू भड़वा चंपा है, साइकिल चोर है भड़वा साला, देख अच्छा बात ना वकर सुन, अच्छा वो बाकी का नहीं मंगता है, तेरा मेरा हो गया ना, तू आज के बाद मेरे देश के खिलाफ मत बोल, तू मेरे लोगों को मत बोल, मैं तेरे को कभी कुछ नहीं बोलेगा, ये भाऊ की जबान है। अच्छा सुन मेरी बात, कश्मीर जो है देख कश्मीर के लिए जो है ना, कश्मीर के लिए तो बात करनी पड़ेगी ना, अरे वो कश्मीरी विश्मीर छोड़ना, नहीं अच्छा नहीं कर सकते ना, उसके तमीज से तो बात कर सकते हैं, कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में है ना, हम अच्छा सुन लेगा ना, वो देख कश्मीर लोगों से पूछ लेते हैं, वापस करते हैं ना तो फिर, अच्छा सुन ले देख एक बात है, क्योंकि रमजानुल मुबारक चल रहा है, अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूं, तो अभी मैंने वीडियो बनाई बंद किया, अल्लाह की तरफ से मुझे एकदम वो लगा कि तूने ये क्यों किसी की माँ बहन के ऊपर बात की, ऐसे मेरे को हुआ, मेरे मौलाना ने भेजा, बुरा लगता है, तू ये मत सोच, जब तूने बोला ना कि मेरी माँ गुजर गया करके, मेरे को ही बुरा लगा था, बुरा हम चल छोड़, अच्छा काम करते हैं, देख मैंने वीडियो डिलीट कर दी, मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तेरे से, पूरा पाकिस्तान प्यार करेगा, पूरा पाकिस्तान देश के खिलाफ नहीं बोलेगा, आफरीदी वाली वीडियो हटा दे, भले मुझे गाली दे दे, वो गलत है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं भी ना तुम लोग के देश के खिलाफ नहीं है, ना देश के लोगों के खिलाफ है, मैं सिर्फ वो यूट्यूबर के खिलाफ है जो मेरे देश को गाली देता है, बस अब उसको मैं देखता हूँ नहीं बोलेगा इंदा, वो मुझे लिंक भेज, मैं ये मर्द का जमाना है, अगर कोई मेरे देश के खिलाफ बोलना बंद कर दिया, मैं कभी जिंदगी में तुम लोग के देश के खिलाफ बात नहीं करेगा।